नमस्कार रात के नौ बजे का वक्त हम लोग अपने करंट अफेयर्स के कार्यक्रम को जो हम कई दिनों से चला रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि पिछले लगभग डेढ़ साल का इस बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रिलिम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको हम लोग एड्रेस कर सकें उन पर किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उसको हम लोग समझ सकें तो कुछ विषय और कुछ प्रश्न इनके माध्यम से हम लोग सारी बातों को करते हैं जो भी साथी जुड़ गए हैं सबको अभिवादन गुड इवनिंग वेलकम तो बात को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अन एकेडमी जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हम लोग एक चीज़ जो एडअप करी है अपने पूरे करिकुलम में वो ये कि पूरे सिलेबस को लेकर बीस बुक्स की एक पूरी सीरीज़ है जिससे कि आप इसमें एन से लेके एडवांस बुक तक का सारा निचोड़ आपको मिलेगा तो एन तो खैर पढ़नी ही चाहिए लेकिन एन के बाद एक तरह से रिवाइज करने के लिए और जो कुछ बिखरी बिखरी सामग्री होती है कैटर्ड जो मटेरियल होता है उसमें आप ना फंसें पूरा हंड्रेड परसेंट सिलेबस कम्पलीशन हो स्ट्रक्चर्ड एक ईज़ ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं इन सब चीज़ों के लिए ये बीस बुक्स का सेट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वो है और अट्ठाईस अप्रैल तक अगर एडमिशन एनरोल करते हैं बच्चे तो उसमें साथ में ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है इसके अलावा लॉकडाउन में एक लगातार समस्या जो बच्चों की तरफ से आ रही है कि आर्थिक स्थिति मध्यवर्गीय परिवारों की जिस तरह की चुनौतीपूर्ण बनी हुई है तो उसमें भी एक सहायता अनकेडमी अपने क्योंकि एक यूनिकॉर्न कंपनी है तो अब काफ़ी सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स वो टाई अप हमारे साथ कर रहे हैं तो एक तरह की आप कह सकते हैं कि किसी ब्याज मुक्त लोन जैसा ठीक है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में जैसे कि आप कंज्यूमर गुड्स वगैरह में देखते हैं तो किसी प्रोसेसिंग फ़ी के बिना किसी इंटरेस्ट रेट के बिना बहुत सारा आसानी से दो घंटे में अप्रूवल मिल जाता है कोई हिडन चार्जेस नहीं है इस तरह से भी आप अपनी तैयारी को अपनी आर्थिक जो मजबूरियां हैं उसको दूर करके भी आप काम कर सकते हैं कॉम्बैट चल रहा है कॉम्बैट हर हफ्ते में आपसे अपील करता हूँ उसमें शामिल होइए उसका लाभ उठाइए आप शायद हो भी रहे होंगे उसको भी आप देख सकते हैं और हमारे सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड जो हैं इक्कीस अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और उनमें आप आगे जो भविष्य के हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं सारे हमारे दोस्त उसका भी लाभ उठा सकते हैं तो अलग अलग कोर्सेज हैं जिसको लेकर आपको चीज़ें दिखेंगे ठीक है चलो बात को हम अपने सिलसिले को जहाँ पर हमने छोड़ा था उसके आगे बढ़ाते हैं और पहला जो विषय पहला जो मुद्दा जिस पे मैं बात करूँगा आपसे वो राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ और क्या ऑडियो वीडियो सब स्मूथ चल रहा है कोई किसी तरह की समस्या एक बार मुझे बता दीजिए फिर मैं आगे बढूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था हैंग कर रहा है इज एवरी थिंग गोइंग फाइन जल्दी से कमेंट कर दीजिए ऑल ओके चलो कपिल का मैसेज आ गया आगे बढ़ते मैं देखता रहूँगा अगर कोई कहीं समस्या आए तो बताइएगा तकनीक एक चुनौती हमेशा रहती है उसको तो देखते चलिए सो so, पहला टॉपिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ अरुणाचल प्रदेश सिक्सथ शेड्यूल के दर्जे की मांग करता हुआ हमको इस परीक्षा वर्ष में दिखा वैसे भी ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल या आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग हर साल किसी न किसी तरह से घुमा फिरा कर पूछता है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं इस समसामयिक संदर्भ के अनुसार तो अरुणाचल से जो मांग उठी है वो ये कि दो स्वायत्त शासी परिषदें ऑटोनोमस काउंसिल्स के गठन की बात है और पूरे अरुणाचल प्रदेश को छठे अनुसूची की परिधि में सिक्स शेड्यूल के एम्बिट में इसको लाया जाए आर्टिकल तीन ए के संविधान के आर्टिकल तीन ए के अनुरूप इस बदलाव को लेकर एक डिमांड इसको राजनीतिक तौर पर उठाया गया फिलहाल अरुणाचल प्रदेश पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर लागू होती हैं और छठी अनुसूची में आप जानते हैं चार ही राज्यों का उल्लेख है अभी असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा ए एम टी एम ऐसे याद करने का एक तरीका भी है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम आर्टिकल तीन ए नागालैंड के ऊपर बिना ब्रैकेट वाला ए तीन सब क्लॉज ए नहीं 371 ए ये नागालैंड के संदर्भ में है जो उसको विशेष प्रस्तुति देता है और जब से ये आर्टिकल 370 का घटनाक्रम जो हुआ है उसके बाद से तीन के अंतर्गत जितने विभिन्न ए बी सी डी जितने प्रावधान हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से पॉलिटी में पढ़ने की ज़रूरत है ठीक है छठी अनुसूची के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये इन चार राज्यों के प्रशासन के संदर्भ में एक विशेष संरक्षणकारी विकल्प है प्रोटेक्टिव एक तरह का प्रोविजन है जो एक खास तरह की हमारी आबादी का हमारी डेमोग्राफी का एक पार्ट है जिसको हम अनुसूचित जातियां कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं उनके हितों को सुनिश्चित करने पर आधारित था बेसिकली संविधान सभा के समय ही बोर्डोलोई कमेटी का गठन किया गया इस बात को समझने के लिए कि वो जनजातीय जो अलग अलग समुदाय हैं उनकी स्थिति का मूल्यांकन करके भारत की राज्य व्यवस्था में क्या आवश्यक क्या अनिवार्य रक्षा उपाय इनको दिए जाएं उस पर अपनी संस्तुति दे सके और इस कमेटी ने ओवरऑल छठी अनुसूची जैसी किसी व्यवस्था को लागू करने की बात कही और इसीलिए संविधान सभा ने व्यापक विमर्श के बाद इसको लागू किया तो बेसिकली ये जो चार राज्य हैं और इनमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको लेकर जो विशेष प्रावधान है वो अनुच्छेद दो उपखंड दो अनुच्छेद दो उपखंड एक संविधान का इसके अंतर्गत निर्गत होते हैं जो जनजातियाँ इन राज्यों में उपरोक्त चार राज्यों में हैं उनको छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष कुछ संरक्षणकारी उपाय क्यों दिए जाने चाहिए इसका तर्क बोर्दोलॉ कमिटी ने और संविधान सभा ने अपने विमर्श में दिया कि यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो अपनी जीवन शैली में अपने सांस्कृतिक सरोकारों को लेकर बाकी जो भारतीय समुदाय है उसके साथ उनका जुड़ाव बेहद कमज़ोर है और इसलिए इनके लिए विशेष संरक्षणकारी विकल्प होने चाहिए ये तर्क था ये ओवरऑल एक तरह से ओपिनियन थी इस कमेटी की जिसको कि इस पूरी बात में जोड़ा गया वेलकम अब वेलकम अमित वेलकम आइए तो ये पूरा सिनेरियो था इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं और यहाँ पर अभी भी कहते हैं एंथ्रोपोलो एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो अभी आ, देखे जाते हैं यानी यूनिक इनका ट्राइबल एक जो पूरा वो है उसको देखते हुए हम इसकी बात कहते हैं तो कमेटी का कहना था कि यहाँ विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाओं की ज़रूरत है स्वायत्त शास्त्री इनको थोड़ा सा एक आधार देना होगा इनकी जो सामाजिक रीति रिवाज कस्टम्स हैं उसको देखते हुए इनको थोड़ा विशेष दर्जा मिलना चाहिए और इस पृष्ठभूमि में छठी अनुसूची अस्तित्व में आई दूसरा मुद्दा इससे जुड़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन में खास क्या है शेड्यूल शेड्यूल को लेकर तो जो ट्राइबल एरिया में आते हैं उनको बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट स्वायत्त शासी जिलों के तौर पर संगठित किया जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनको अलग अलग राज्य विधान मंडलों की शक्ति के अंतर्गत स्वायत्तता दी जाती है इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी फिलहाल दस ऐसे स्वायत्त शासी जिले हैं जिनमें तीन असम में मेघालय और मज, मिजोरम में तीन तीन और एक ऐसा स्वायत्त शासी जिला त्रिपुरा में है तो कुल दस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स आपको इस छठी अनुसूची के अंतर्गत दिखेंगे हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में एक पृथक क्षेत्रीय परिषद के गठन की भी व्यवस्था की जा सकती है इसको रीजनल काउंसिल कहा जाता है ट्राइबल्स को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो कुछ विधेयक और कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ इन स्वायत्त शासी क्षेत्रीय परिषदों और स्वायत्त शासी जिला परिषदों के माध्यम से अख्तियार या उसको प्राप्त कर सकें तो अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो कुछ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके अंतर्गत हैं अगर रीजनल काउंसिल है तो उसको भी कुछ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जा सकती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को सिविल और जुडिशियल पावर्स हासिल होती हैं और वो भूमि के संदर्भ में वन के संदर्भ में मत्स्यन सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर सीमित मुद्दों पर ही सही लेकिन कानून बनाने का अधिकार भी रखते हैं यानी एडीसी को लेजिस्लेटिव लीगल पावर्स भी दी गई हैं ध्यान रखिएगा ये सारी ताकतें गवर्नर जो उस राज्य का है उसकी संस्तुति के बाद इनको प्राप्त होती हैं तो गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको इस पूरी व्यवस्था में दिखेगा संविधान कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो कानून है उनको भी इन स्वायत्त शासित क्षेत्रों में छठी अनुसूची के अंतर्गत उनको प्रभावी बनने से रोका जा सकता है और जब तक राष्ट्रपति या गवर्नर अगर केंद्र का, का कानून है तो राष्ट्रपति अगर राज्य विधानमंडल का कानून है तो गवर्नर जब तक इन विषयों पर अपनी संस्तुति ना दे तो इनको सामान्य तौर पर इन क्षेत्रों में प्रभावी नहीं बनाया जा सकता ये भी एक विशेष अधिकार छठी अनुसूची के इन क्षेत्रों को हासिल है गवर्नर की अगर ताकत की बात करें तो अलग अलग स्तर पर स्वायत्तताएं हैं जैसे कि मैंने बात करा स्टेट लेजिस्लेचर उसको इन्फोर्स करती है लेकिन बेसिकली ये भी हमको पता हो कि सिक्स शेड्यूल में जो क्षेत्र हैं, ये ऐसा नहीं है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति से बाहर होते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति सामान्यतः यहाँ पर प्रभावी होती है गवर्नर को इस मामले में सशक्त किया गया है कि वो संगठित या रीऑर्गेनाइज पुनर्संगठित कर सकता है इन स्वायत्त शासी जिलों को वो इन स्वायत्त शासित जिलों के क्षेत्र को घट गट, घटा या बढ़ा सकता है ये भी गवर्नर की शक्ति है या उनके नामकरण में और उनकी सीमाओं में कोई वांछित परिवर्तन कर सकता है ये सारी चीज़ें गवर्नर को हासिल हैं उसकी शक्ति में आती हैं सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत अगर एक स्वायत्त शासी जिले में अलग अलग जनजातीय समुदाय हों एक से अधिक समुदाय हों और उनकी ठीक ठाक आबादी हो तो ये भी व्यवस्था है कि गवर्नर उन स्वायत्त शासी जिलों को स्वायत्तशासी क्षेत्रों में बांट सकता है एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीएससी में स्टेटमेंट फॉर्म में ध्यान रखिएगा कि सामान्य बुद्धि हमारी कहती है कि रीजन बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है रीजन इज बिगर टेरिटरी देन डिस्ट्रिक्ट लेकिन जब आप सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी इकाई है और एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जैसे अगर ज्यादा जनजातीय समुदाय हैं तो अलग अलग ऑटोनोमस रीजन आपको देख सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पहले आता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई ऑटोनोमस रीजन हो सकते हैं ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अब इन स्वायत्त शासी परिषदों के संरचना की अगर बात करें जिस पर केंद्रित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को व्यवस्था है कि 30 से अधिक सदस्य इसमें नहीं होंगे जिसमें चार को नामांकित करता है गवर्नर और बाकियों का चुनाव होता है इलेक्शंस होते हैं ये सारे के सारे सदस्य पांच साल तक जो सामान्य सांसद और विधायक का जो कार्यकाल है सामान्य परिस्थितियों में ऑब्वियसली वही कार्यकाल इन स्वायत्त शासी परिषदों के सदस्यों का होता है यहाँ जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बी है उसको उसकी स्थिति थोड़ी अलग है वो एक्सेप्शन है एक अपवाद है और इसमें 46 सदस्यों तक हो सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी टेरिटोरियल काउंसिल आपको इस व्यवस्था के अंतर्गत दिखेगी असम राज्य के अंतर्गत तो ये सारे इस विषय से जुड़े इतने संदर्भ थे इतनी बातों को ध्यान रखिए पॉलिटी में आप इसको पढ़ते ही हैं मैंने उसको रिफ्रेश भी कर दिया और क्या क्या मुद्दे आपको पता होने चाहिए वो भी आपके सामने रखती है ठीक है तो ये बात थी इसको आगे बढ़ाते हैं दूसरा विषय किसान रेल और ये व्यवस्था ये विषय एग्रीकल्चर इस बार सुपर हिट थीम होगा कृषि कानूनों की वजह से और बाकी अन्यथा भी पिछले साल आपने देखा कुछ तकनीकी सवाल आ गए तीन चार लेकिन एग्रीकल्चर हमेशा से एग्री एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर इस पर बेस्ड जितने प्रोग्राम्स जितने भी आपको विषय दिखें सबको अच्छे से पढ़िए इस पर काफ़ी सवाल आपको दिखेंगे इसी व्यवस्था में किसान रेल का कॉन्सेप्ट छोटी सी बात है समझते हैं तो भारतीय रेलवे ने किसान रेल नाम की व्यवस्था को देवली से दानापुर यानी महाराष्ट्र के देवली से बिहार के दानापुर तक ये पहली किसान रेल शुरू हुई केंद्र ने इस संदर्भ में बजट 2020-21 में इस व्यवस्था को शुरू करने का उद्घोष किया था किसान रेल भारत में पहली मल्टी कमोडिटी ट्रेन हैं देखिए एक नॉर्मल फ्रेड ट्रेन में एक तरह से अलग अलग कमोडिटीज को लेकर इस तरह के प्रयोग हुए हैं लेकिन मल्टी कमोडिटी एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी जो किसान रेल के साथ शुरू हुई है जैसे पहले क्या था सिंगल कमोडिटी स्पेशल ट्रेन थी जैसे बनाना स्पेशल तो कुछ केला उत्पादक बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट से कंज्यूमर स्टेट्स तक सिर्फ बनाना उसमें आ, उसमें उसको कैरी किया जाता था इस तरह की व्यवस्था थी लेकिन मल्टी कमोडिटी यानी उसी में अलग अलग कमोडिटीज अलग अलग उत्पाद एक स्पेशलाइज ट्रेन व्यवस्था में जा रहे हैं ये व्यवस्था नहीं थी इसको पहली बार शुरू किया गया है इन ट्रेन में ऑब्बियसली बात है रेफ्रिजरेटेड कोचेज होंगे जिससे कि ये जो पेरिशेबल मतलब जो विनाशी कृषि उत्पाद हैं जिनका जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं होता जैसे सब्जियां, फल इन सब को एक कम अवधि में क्विकर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग मार्केट्स तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों की आय को हम बढ़ा सकें ये संकल्प है ये इसके पीछे दर्शन है ये ओवरऑल जो किसानों की आय को दोगुना करने का 2022 तक जो संकल्प है उसको पूरा करने की दिशा में एक और प्रयत्न है माना जा रहा है कि किसानों को थोड़ा सा उनकी जो एक उत्पादन की जो एक मनोवृत्ति है उसको थोड़ा सा सरकार चाहती है कि गेहूँ धान और इन सब चीज़ों के समानांतर जो ज़्यादा बेटर जो प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनकी तरफ भी किसानों को मोड़ा जाए ये तभी संभव है जब आप पहले उसके लिए एक डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सौंपेंगे इस दिशा में किसान रेल एक बड़ा प्रयोग हो सकता है एक साप्ताहिक सेवा है जो अभी देवलई से दानापुर तक चल रही है किसान रेल साप्ताहिक सेवा है और ओवरऑल ये कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन की है उसको पर टन हजार रुपए तक कम करने का इसमें रणनीति शामिल है रोड से अभी ये सब आवागमन होता है तो करीब पंद्रह घंटे का समय जो परिवहन में लगता है उसको कम किया जा सके ये रणनीति है तो ये आ, एक हजार रुपए प्रति टन ये लागत कम हो जाएगी काफी अग्रेसिव मार्केटिंग लोकल फार्मर्स के बीच लोडर्स के बीच एपीएमसी के बीच की जा रही है जिससे कि वो अधिकाधिक इसका प्रयोग करें और ये पूरी रणनीति इस दृष्टि से आपको दिखेगी अगला विषय हेल्थ से ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की संकल्प हेल्थ पैंडमिक के बीच में हेल्थ रिलेटेड सारे को अच्छे से करने की जरूरत इस पर केंद्रित प्रश्न आपको दिखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया इस परीक्षा वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र 8 अगस्त 2020 को एक अंतर क्रियात्मक अनुभव आधारित केंद्र होंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको संचालित किया जाएगा ओवरऑल देखिए केंद्र है सेंटर है यानी कोई एक स्थान होगा भवन होगा जहाँ पर कुछ स्वच्छता विषय कुछ आपके साथ आपको प्रेरित करने का ओवरऑल प्रयत्न होगा तो जो सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह ये जो लड़ाई शुरू हुई है जो स्वच्छता मिशन को जो एक तरह से बहुत क्रांतिकारी तौर पर बढ़ाने की बात उसमें ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एक तरह का जो भविष्य की पीढ़ियां हैं जो युवा पीढ़ी है जो बच्चे हैं उनके बीच इस यात्रा के जो सफल अवलंब हैं उनको रखने की बात है स्वच्छ भारत मिशन दुनिया में सबसे बड़ा बिहेवियर को चेंज करने को लेकर एक कैंपेन भी है क्योंकि ये बेसिकली मनोवृत्ति के स्तर पर बदलाव लाने की बात है ये समझाना ही हिंदुस्तान में लोगों को मुश्किल है कि खुले में शौच करना ये क्यों सबके जीवन के साथ खिलवाड़ है ठीक है इसको भी एक मूल अधिकार की तरह भारत देखता है कि ये भी एक मूल अधिकार है लेकिन ऐसा नहीं है आप अपने लिए समाज के लिए अपने ही परिजनों के लिए जिस तरह के खतरे तो बेसिकली देखिए बिहेवियरल चेंज सबसे बड़ी और लॉन्ग लास्टिंग एक लड़ाई होती है छोटी मोटी चीजें आप जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से संचालित होती हैं उसको बदल सकते हैं लेकिन अगर समाज में बिहेवियरल चेंज लाना है तो ये बड़ी लड़ाई है और इसी पैंडमिक में देखिए ये बड़ा विषय भी है क्योंकि ऐसे लोग थे जो मानते थे कि हिंदुस्तान में किसी को ये समझा पाना कि आपको मास्क लगाना होगा हेलमेट का उदाहरण है हेलमेट लगाने वाली उसमें कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणियां हैं कि हेलमेट इसलिए नहीं लगाता इंसान कि वो एक सोशल नॉर्म है एक डिसिप्लिन है एक आ, अगर सौ में से नब्बे लोग नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो कभी भी वो आपका व्यवहार नहीं बन पाएगा ठीक है तो बिहेवियर सोशल बिहेवियर ऐसे ही तय होता है डिसिप्लिन ऐसे ही आता है सोसाइटी में तो यहाँ तो अपनी ही जान जा रही है तब भी लोग हेलमेट को अपना ही दुश्मन मानते हैं पीछे बांधे रहते हैं टूटा फूटा सा हल्का सा दिखाने के लायक थर्माकोल का जैसे पुलिस वाला देखा तो लगा लिया है ना कई लोग होंगे आप भी यही काम करते होंगे बेसिकली वो आपकी जान बचाने के लिए चीज़ है तो ये बिहेवियरल चेंज है इसी तरह हाइजीन है पर इसको इन राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्रों के माध्यम से कोशिश हो रही है अब इसमें केंद्र में क्या होगा ऑडियो विजुअल शोज होंगे इंटरेक्टिव एल ई डी पैनल्स हैं होलोग्राम बॉक्सेस हैं गेम्स हैं उद्देश्य वही है कि जो पीढ़ी जो अभी आकार ले रही है बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग किड्स उन्हीं सबको को ये ले जाता म्यूजियम में आप लोग तो जाते नहीं है एक बार युवावस्था में आदमी चला गया फिर कहाँ म्यूजियम व्यूजियम जाता है फिर तो उसके दूसरे ठिकाने बन जाते हैं तो बच्चों को ही यहाँ सब ले जाते हैं स्कूल की तरफ से उन्हीं के अंदर इनकलकेट करना है उन्हीं के अंदर इस व्यवहारवादी बदलाव को अगर डालना है तो ये केंद्र उसमें एक भूमिका निभाएंगे और ये बेसिकली जब चंपारण सत्याग्रह की जो सेंटिनरी शुरू हुई थी उसमें अनाउंस किया था प्रधानमंत्री ने स्वयं तो वहां से ये संकल्पना आगे बढ़ी है इस बात को ध्यान रखिएगा एक टर्म एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चर्चा में है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इसके भी कुछ आयामों को जानिए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बेसिकली इट डिस्क्राइब्स फार्मिंग एंड ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस ग्रेजिंग मतलब ये जो चरना ठीक है जो बेसिकली कुछ अन्य बेनिफिट्स के साथ क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया को जो बदल सके तो यहां रीजेनरेटिव का मतलब है कि जो क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन हुआ है क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन जो हुआ है उसको रीजेनरेट कर सके एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग इस तरह की हो जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव नकारात्मक जो हैं उनको रिवर्स कर सके इसको कहते हैं रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर और ये कैसे होगा बाय रीबिल्डिंग सोयल ऑर्गेनिक मैटर एंड रेस्टोरिंग डिग्रेडेड सोयल बायोडाइवर्सिटी तो जो सोयल में जो विविधता जैव विविधता जो जिसका क्षरण हुआ उसको अगर हम रेस्टोर कर सकें उसकी पुनर्बहाली कर सकें और जो सॉइल में ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनको हम रीबिल्ड कर सके और इसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन डाउन तो होगा ही आपको वाटर साइकिल भी इंप्रूव होती दिखेगी और इसी के थ्रू हम क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिवर्स करने का लक्ष्य रखते हैं द की टू agriculture एग्रीकल्चर इज दैट इट नॉट ओनली डज नो हार्म द लैंड ठीक है तो एक तो बात यह है कि कोई नुकसान ना हो ठीक है नो हार्म टू द लैंड ऐसी कृषि हो लेकिन ये तो और आपकी जो मृदा से लेकर बाकी जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं उनको सुधारने का काम भी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कर सकता है तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एक तरफ कोई नुकसान ना करना तो इसका लाभ है ही साथ में ये स्थितियों को बेहतर बनाता है और इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जो सॉइल और इन्वायरमेंट को रीजेनरेट कर सके तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लाभ क्या है हेल्दी सॉइल केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपका जो खाद्य उत्पाद होंगे वो पोषण तत्वों के मामले में बहुत सघन होंगे और साथ में समानांतर इट विल इंप्रूव डिग्रेडिंग लैंड एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू प्रोडक्टिव फार्म्स एंड हेल्दी कम्युनिटीज एंड इकोनॉमी ठीक है तो ये एक डायनेमिक और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इसमें परमाकल्चर ये इस सब चीज़ें आप भूगोल में पढ़ते होंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड आस्पेक्ट्स में परमाकल्चर जिसमें सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशियंट एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स की बात होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं तो टिलेज को क्रॉप्स रोटेशन को कंपोस्टिंग को मोबाइल एनिमल शेल्टर ये सारे एग्री टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट ये सब रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं यहां पर मैं ये भी उल्लेख कर दूं कि ये मेन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे होगा तो इसको सिर्फ प्रिलिम्स तक मत रखिएगा ये मेन्स के लिए भी कैरी ओवर आपका एक सब्जेक्ट आपको दिख सकता है तो ये पूरी बात थी वट इज रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इट डज एंड बेसिकली वॉट आर द डिफरेंट डाइमेंशन ऑफ दिस एग्रीकल्चर तो ये एक बात थी एक इस बार प्रिलिम्स में अमोनियम नाइट्रेट किसी रूप में दिख सकता है कारण आप सब परिचित होंगे संभवतः कि जो इतना बड़ा लेबनन में आपको दुर्घटना दिखी थी उस लेबनन की बेरूत के उस मैसिव एक्सप्लोजिव में जो मुख्य जो विलेन था वो था अमोनियम नाइट्रेट तो इस तरह रिलेट करके एक थोड़ा सा केमिस्ट्री रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा बट आपको पता होना चाहिए कि क्या ओवरऑल होगा रोहन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर 2022 ठीक है यू विल ग्रास्प अलॉट ऑफ थिंग्स जो जरूरी नहीं है कि इतने शॉर्ट टर्म में हो कुछ इश्यूज होते हैं जो दे विल डाई डाउन है ना बाय नेक्स्ट ईयर बट दे आर हार्डली आई थिंक फाइव टू टेन परसेंट रेस्ट यू कैन ऑलवेज कैरी अलॉन्ग मेन्स में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंस जैसे ये अमोनियम नाइट्रेट प्रोबेबली अगली बार इसका कोई रेलिवेंस नहीं होगा क्योंकि ये इस बार का एक इवेंट है बट ऐसे इश्यूज बहुत कम होते हैं देखिए एक मैसिव एक्सप्लोजन बेरूत में वी विटनेस्ड ठीक है लेबनन की कैपिटल है जिसमें सौ से ज़्यादा लोग मर गए थे और उससे ज़्यादा था कि एक चिंता थी क्योंकि ये एक कॉमोडिटी के तौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपको दिखेगा कि इसका पोर्ट्स में पड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक तो भारत में भी कई पोर्ट्स का ऐसे नाम आया था कि हमको भी बेरोज से सीखने की ज़रूरत है इस वजह से भी ये काफ़ी सुर्खियों में रहा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इसका केमिकल फार्मूला एक नाइट्रोजन रिच वाइट क्रिस्टेलाइन केमिकल है जो वाटर सोल्यूबल होता है इट इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में विलय होता है एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें ये एक सामान्य इंग्रेडिएंट है तो कोई विस्फोटक वगैरह खाली नहीं है बहुत उपयोगी बुनियादी चीजों में भी ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तो फर्टिलाइजर्स में इसका प्रयोग होता है ओवरऑल जो एनेस्थेटिक गैसेस और कोल्ड पैक्स जो बनते हैं उनके उत्पादन में भी ये एक बहुत आवश्यक एक पदार्थ है मेन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉमर्शियल एक्सप्लोजिवस माइनिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज में आते हैं विस्फोटक यूज में आते हैं उनका तो ये एक प्रमुख एक आगत इनपुट है ही इंग्रेडिएंट है ही एक्सप्लोसिव्स के तौर पर अगर देखें तो मेन कंपोनेंट जो है एक्सप्लोसिव कॉम्पोनिशन का उसको एनफो कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट ऑयल तो N4 क्या है अमोनियम नाइट्रेट से निर्मित एक कंपोनेंट है जो एक्सप्लोसिव्स के निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूएल ऑयल प्योर अमोनियम नाइट्रेट अब स्टेटमेंट कितना सटीक है एग्जाम के हिसाब से अगर शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट की हम बात करें तो ये एक्सप्लोजिव नहीं है इट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन यानी आपको उसे कुछ कन्वर्ट करना होता है और वही कन्वर्जन आपको एनफो के तौर पर दिख रहा है फॉर अमोनियम नाइट्रेट टू बी एक्सप्लोजिव अ प्राइमरी एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर लाइक आर और टी एन टी इज रिक्वायर्ड तो जो बेसिक एक्सप्लोजन होता है आर या टी टी के थ्रू उसकी वेरासिटी को उसके प्रभाव को बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करने में अमोनियम नाइट्रेट के कंपोनेंट्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे आई होती हैं इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइज जो कि टेररिस्ट या नैक्सल लोग यूज़ करते हैं उनमें एनफो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ये सबसे प्रमुख एक्सप्लोजिव होता है और अगर कहीं पर स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट है कहीं भंडारित अमोनियम नाइट्रेट है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जैसा हमें बेरूत के इस धमाके ने दिखाया अगर वो किसी और एक्सप्लोजिव मिक्सचर के साथ कांटेक्ट में आ गया तो वो बहुत बड़ा खतरा है और अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई जिसमें हीट अगर जनरेट हो गई उससे आग लग सकती है फायर क्रिएट हो सकता है और उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है यही ऑक्सीडेशन मेन कारण माना गया बेरूत में जो धमाका हुआ उसके पीछे तो ये भी एक आपको बात पता होनी चाहिए अगला विषय हमने इस परीक्षा वर्ष में हिरोशिमा नागासाकी के पिछहत्तर वर्ष पिछहत्तरवी त्रासदी की पिछहत्तरवीं वर्षगांठ को भी देखा और ये पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में न्यूक्लियर वेपन्स का एकमात्र कहीं प्रयोग अगर हुआ है तो वो यहाँ हुआ है तो उस संदर्भ में भी ये सारे विषय इंपॉर्टेंट रहते ही हैं आपको पता होना चाहिए इसको काफ़ी लाइमलाइट में रखा गया था तो 6 अगस्त 1945 अमेरिका के एक बी फिफ्टी बॉम्बर ने जब यूरेनियम से निर्मित एक फिजन बॉम्ब को एक ओवरऑल न्यूक्लियर uh, फिजन नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक परमाणु बम को जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय इसको हिरोशिमा पर गिराया और तीन दिन के बाद फैटमैन नाम का दूसरा बम नागासाकी पर गिरा और इस पूरी प्रक्रिया में अस्सी हजार से ज्यादा लोग हिरोशिमा में और चालीस हजार के करीब लोग नागासाकी में मारे गए थे इससे कई गुना ज्यादा लोग पीढ़ियों तक उसमें प्रभावित रहे ब्लैक रेन की संकल्पना इस विषय से जोड़कर पूछी जा सकती है ब्लैक रेन या न्यूक्लियर विंटर अगर आपने टेक्नोलॉजी में इसको कवर किया हो ब्लैक रेन बेसिकली जो पूरा इसका रेडियो एक्टिव एमिजन था जो रेडियो धर्मिता फैली उसमें कार्बन था उसमें डस्ट था तो महीनों तक महीनों तक उसके बाद ओवरऑल एक जैसे काले रंग का कुछ रसायन ड्रॉप्स की तरह वो वहाँ पर गिरता रहा तो इसको ब्लैक रेन कहा जाता है और ये एक तरह से फॉल आउट था इम्पैक्ट था पूरा इस प्रक्रिया का इस बमबारी का एक महत्वपूर्ण संदर्भ ये भी है कि इसने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का भी एक तरह से उसकी पृष्ठभूमि निर्मित कर दी क्योंकि उसके बाद जो अमेरिकी के विरोधी गुट था उसके पास कोई जवाब नहीं था इसका तो उन लोगों ने हथियार डाल दिए जापान बहुत बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति था उसने सरेंडर कर दिया उधर जर्मनी भी खंड खंड हो चुका था तो बेसिकली ये सारा इसका विश्व इतिहास का पक्ष है जापान 14 अगस्त 1945 को सरेंडर कर देता है और बेसिकली धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो एक्सिस थी वो कमज़ोर होती चली गई और ये पूरा एक आगे बात बढ़ी जो सरवाइवर्स इस अटैक के हैं उनको हीबा कुशा कहा जाता है इसको ध्यान रखिएगा इसको किसी तरीके से कैप्चर कर सकता है हीबा कुशा शब्द का अर्थ है हिरोशिमा और नागासाकी के जो बच गए जो लोग सर्वाइवर इसमें एक अभी थे उनको इस पूरी सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी में उनको शोकेस भी किया गया था इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं और जापान ने इस पूरे अच्छा एक चीज और है पैसिफिस्ट मूवमेंट क्या है इस पर प्रश्न आ सकता है है। तो ये जापान का जो युद्ध के समय का साम्राज्यवाद के संघर्ष के समय का जो अनुभव है उसको लेकर जापान में आज भी पैसिफिस्ट मूवमेंट मूवमेंट बहुत है, जिनकी मांग रहती है जिनकी डिमांड रहती है कि जापान न सिर्फ अपने स्तर पर संघर्ष को लेकर बहुत ही उदार नीति रखे ज्यादा हथियारों की होड़ में संघर्ष में न फंसे बल्कि दुनिया को भी इस बात के लिए प्रेरित करे निशस्त्रीकरण के संदर्भ में बाकी संदर्भों में कि दुनिया भी इस बात को समझे तो पैसिफिस्ट मूवमेंट उसको डिनोट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो हिबा कुशा पैसिफिस्ट मूवमेंट हिरोशिमा बॉम्बिंग कोड नेम्स ब्लैक रेन सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा इसको पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस परीक्षा वर्ष में वीनस में वोल्केनोज इसको लेकर कुछ फाइंडिंग्स आई हैं कुछ स्टडीज आई हैं इस बात को किसी तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है तो एक रीसेंट हालिया स्टडी के अनुसार वीनस अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव है स्टडी बेसिकली आइडेंटिफाई करती है 37 एक्टिव वोल्केनोस सक्रिय वोल्केनोस वीनस में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कोरोना कोरो, कोरोना कोरोना कहते हैं कोरोना नहीं कोरोने इनको कोरोने कहा जाता है वीनस की सरफेस पर कोरोने जो हैं ये जब हॉट मटेरियल विच इज़ डीप इनसाइड द प्लेनेट है ना प्लूम्स जब इनका हॉट मटेरियल का जब ये राइज करता है मैंटल से लेयर और क्रस्ट की तरफ तो इससे ये कोरोने बनता है और पहले ये माना जाता था कि वीनस की जो सतह है उसमें कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है लेकिन वैज्ञानिकों ने पर्याप्त अध्ययन और सूचना के बाद अब इस बात को माना है कि वीनस है यंगर सर्फेस देन प्लान लाइक मार्स एंड मर्करी विच हैव कोल्ड इंटीरियर्स तो देखिए जहाँ पर अगर इस तरह की वॉल्केनिक एक्टिविटीज चल रही हैं इसका एक एस्ट्रोनॉमी में क्या संदर्भ है ठीक है कि जो बहुत अगर कूल हो गया कोल्ड इंटीरियर्स हैं कुछ नहीं इस तरह का जियोलॉजिकल मूवमेंट है तो वो थोड़ा सा पुराने प्लैनेट्स हैं वहाँ ये सब शांत हो चुका है बट इफ दिस इज दिस जियोलॉजिकल मूवमेंट्स इफ यू आर विटनेसिंग सच things, दैट मीन्स कि इट इज़ अ कंपेरिटिवली यंगर प्लान तो ये बिग बैंग को और इस पूरी चीज़ को समझने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात होती है ये जो नया अध्ययन विनस को लेकर आया है इसमें बेसिकली टारगेट एरियाज फ्यूचर मिशन के लिए जो वीनस पर केंद्रित है जैसे यूरोप का एनविजन नाम का मिशन अलग से प्रश्न आ सकता है एनविजन मिशन किस मुद्दे पर केंद्रित तो ये वीनस पर केंद्रित एक यूरोप का महत्वाकांक्षी मिशन है जो 2032 में लॉन्च किया जाएगा और जब वीनस की इस बॉल्केनिक एक्टिविटीज पर अध्ययन हो रहा है सूचना आ रही है तो ये सीधे तौर पर क्या दिखाता है कि अब यूरोप इस संदर्भ में पेलोड भेजेगा कि इसको भी हम मैप कर सकें इसके बारे में हम कुछ पता कर सकें एनविजन का एम है कि पता लगाया जा सके द लेवल एंड नेचर ऑफ द जियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट जनरेटेड द सरफेस फीचर्स ऑफ वीनस तो वीनस के उसकी अस्तित्व में आने उसका जो सरफेस ये सब जो है इसको लेकर केंद्रित मिशन है इसमें आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं वीनस के बारे में आप वैसे पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं एन में लेकिन वीनस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गतिविधि के बाद ये सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से है ना मरकरी के बाद आप जानते हैं सिक्स लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है हॉटेस्ट प्लानेट है सोलर सिस्टम में और एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर साढ़े चार सौ डिग्री सेंटीग्रेड और एसिडिक क्लाउड्स यहाँ पर इसको जीवन के लिए बिल्कुल संभावित ग्रहों की सूची से बाहर करता है तो ये बारे में जो मूल समझ थी यूरेनस के साथ एक चीज इसको जोड़ती है इट स्पिन बैकवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स ठीक है तो यूरेनस में और वीनस में एक समानता है कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ठीक है अदर प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में अर्थ भी उसमें आ जाती है ये इसकी स्पिन बैकवर्ड देखी जाती है दैट इज क्या मतलब है इसका इसका जो सन है इट राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट ये खास बातें हैं इसको ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर सन जो है राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट तो मरकरी के साथ संयुक्त संयुक्त तो तौर पर यहाँ कोई मून भी नहीं है और कोई रिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ नहीं देखे जाते हैं तो वीनस रिलेटेड इतने दायरे इतने विशेषताएं हैं वो भी आपको पता होना चाहिए और विषय को देखते हैं भारत में पहली बार एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन को टेस्ट किया है एक प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी ने जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस स्काई रूट एरोस्पेस पहली बार फर्स्ट टाइम फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द केपेबिलिटी टू बिल्ड अ होम ग्रोन रॉकेट इंजिन तो इसरो ने तो बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स बनाए लेकिन अब जो संस्थागत हमने एन वगैरह की बात करी है तो देखिएगा धीरे धीरे प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को जैसे अमेरिका में एल मस्क काम कर रहे हैं इंडिया में भी प्रमोट किया जा रहा है कि वो रॉकेट इंजन उनकी अपर स्टेजेस उनकी लोअर स्टेजेस इसको डेवलप करें और पहली बार ये कामयाबी स्काई रूट को मिली है जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन को टेस्ट किया है ये इंजन था एक थ्री प्रिंटेड इंजन इसका नाम रामन रखा गया ऑब्वियसली सी वी रामन साहब के सम्मान में रामन नाम का इंजन था भारत का पहला निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा प्रदर्शित एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन रामन इंजन की क्षमता है मल्टीपल टाइम्स इसको आप रीस्टार्ट कर सकते हो यानी स्विच ऑफ ऑन हुआ ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ इससे आप मल्टीपल ऑर्बिट्स uh, में आप लॉन्च कर सकते हो तो इंजन इज कैपेबल ऑफ मल्टीपल रीस्टार्ट्स इट एनेबल्स द लॉन्च व्हीकल टू इंसर्ट वेरियस सैटेलाइट्स इनटू मल्टीपल ऑर्बिट्स ठीक है अलग-अलग ऑर्बिट्स आपने बनाए अलग-अलग ऊंचाई -अलग पर और ये इन अलग अलग ऑर्बिट्स में जाकर सेटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है ये क्षमता इसमें होगी एक ही मिशन में और बेसिकली इसके अभी और प्रयोग होंगे और कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि हम एक बेहतर सस्ता रिलायबल लॉन्च व्हीकल बनाने के क्रम में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर हम काम कर सकें ये जो पहला रॉकेट अभी जिसका सफल निर्माण हुआ है ये 250 से 700 किलो के उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है और ये इस वर्ष के अंत तक ही हो सकता है इससे उपग्रह भेज भी दिया जाए तो ये और भी बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा कंपनी ने अपने इन हाउस सॉफ्टवेयर से इस लॉन्च व्हीकल को बनाया है और इस लॉन्च व्हीकल का गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल फंक्शन सब कुछ इसने किया है ऐसा नहीं है कि इसरो ने इसमें उसको सहायता की है ठीक है तो ये पूरा ओवरऑल संदर्भ था इस बात को आप यहाँ पर देख चलिए प्रश्नों पर आते हैं जैसी हमारी प्रकृति रही है मैं कुछ प्रश्न आपके साथ प्रश्नों के थ्रू हम विषयों को देख रहे हैं तो आप लोग जवाब दीजिए फिर इस पर चर्चा करते हैं चलिए पहला प्रश्न है इनमें से कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड युवराज का आंसर आया है सबसे पहले ए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफ एओ इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है नोबल पुरस्कार भी मिला है एफ एओ को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बाकी लोग सब लोग ए अमित अंकित कमलेश नीरज अवनीश अमित अनुराधा अर्चना सब लोग ए अनिल चलिए देखते हैं स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड बाई एफ ए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आई फैट यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म ऑन प्रोग्रेस टूवर्ड्स एंडिंग हंगर यानी ये बेसिकली इज नॉट इन्वॉल्व करना था भाई ठीक है आप नॉट शायद आप लोग मिस कर गए मैं भी जब इसको दिखा रहा था तो मैं भी इसको मिस कर गया ठीक है कौन सी संस्था नहीं शामिल है ये देखना था तो इसमें आई का कोई रोल नहीं है बाकी ये सब मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं ठीक है ये गलती नहीं करनी है नॉट हमेशा ढूंढ लीजिए ओ आई फैड यूनिसेफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर ये रिपोर्ट लाते हैं तो रिपोर्ट के महत्व को समझिएगा उद्देश्य क्या है उद्देश्य ये है कि हम उस तरक्की को समझ सकें कि भूख से लड़ने के क्रम में भूख को पराजित करने के क्रम में खाद्य सुरक्षा दुनिया में स्थापित करने के लिए पोषण संबंधी जो अनिवार्यताएं हैं उसको लेकर कितना हम आगे बढ़ चुके हैं क्या चुनौतियां हैं दुनिया में और अल्टीमेटली 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको लेकर हम कितना सजग हैं कितना हम उसके नजदीक हैं इसको हम सुरक्षित कर सकें आई का इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है ये बात भी हमको पता होनी चाहिए एक चीज यहां और ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर दो जो जीरो हंगर की बात करता है उसको भी टारगेट करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स काफी महत्वपूर्ण देखी जाती हैं चलिए दूसरा सवाल आ रहा है देखिए लोनार लेक और इसका यह विचित्र रंग पिंक कलर की लेक हो जाए क्या कारण है हेलोर्किया नाम का कोई कारक है जिसकी वजह से लोनार लेक पिंक कलर की हो गई क्या है जल्दी से जवाब करिएगा अंकित ने ए बैक्टीरिया बाकी सी भी है ए सी डी तीन तरह के विकल्प दिख रहे हैं सी को छोड़कर लाइकेंस को छोड़कर बाकी सारे विकल्प आ चुके हैं कमलेश कह रहे हैं बैक्टीरिया और बैक्टीरिया ही इसका आंसर है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फाइंडिंग अपनी स्टडी दी कि जो लोनार लेक है इसका जो एक बहुत विचित्र तरह का रंग महाराष्ट्र के बोलधना डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है ये पिंक हो गई क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्ट लविंगलोरकिया ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनके कारण ये रंग हुआ है सॉल्ट लविंग मतलब ऑब्वियसली सॉल्ट के ऊपर ये कहीं ना कहीं पलने वाले microbes हैं लवणता जो बहुत अधिक बढ़ गई इस झील में और जो पीएच वैल्यू है इसकी वजह से ये हेलोफिलिक माइक्रोब्स हैं जिनकी संख्या में किया जो बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई हेलोफाइल्स ये ऐसे समूह होते हैं सूक्ष्म जीवों के जो ग्रो करते हैं अगर हाई सॉल्ट कंटेंट हो सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और इस झील में ऐसा ही हुआ इस वजह से ये बहुत तेजी से बढ़े हेलोरकिया एक बैक्टीरियल कल्चर है जो पिंक रंग का पिगमेंट इसमें होता है और इसी वजह से ये पानी आपको इसका जो रंग है वो इस तरह का दिख रहा है तो ये जानकारी आपको पर्यावरण में जोड़नी चाहिए चलिए अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होगा आप देख रहे हैं किस तरह भारत में पीएलआई स्कीम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अपनी एक खास तरह की एक स्थान बना सके उसको ओवरऑल आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम डी ए डी सी सारे विकल्प आ रहे हैं स्कीम को लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पहला कथन ये है कि स्कीम है किसकी इस मंत्रालय की दूसरा स्कीम प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ़ ग्रीन फील्ड ओनली। मैंने आपसे कई बार कहा है जब भी इस तरह के शब्द दिखे ओनली वगैरह तो उस कथन को दो बार पढ़िए ध्यान से वहां संकेत छिपा होता है ठीक है ओवरऑल आप इन दोनों कथनों में जब आप इनके आधार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों गलत हैं ओवरऑल ये जो ईएमसी स्कीम है इसको चला रहा है माइती। माइती का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ईएमसी उसको चला रहा है ठीक है 2012 में लॉन्च किया गया था ऑब्जेक्टिव स्कीम के क्या हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक तो सिस्टम के लिए नहीं है ब्राउन फील्ड के लिए भी स्कीम है कोई existing, अगर कोई इस तरह की इंडस्ट्री है किसी कारण से संघर्षील है उसको भी आकर आप टेक ओवर करके वहां पर भी काम कर सकते हैं तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें हो सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स इन ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स असिस्टेंस क्या दिया जाता है पचास परसेंट तक जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ठीक है जिसमें अपर सीलिंग पचास करोड़ है फॉर एवरी हंड्रेड एकर्स ऑफ लैंड ये आपको असिस्टेंस मिलेगा जबकि ब्राउन फील्ड अगर ई है तो उसमें सेवेंटी ऑफ कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ रुपीज फिफ्टी क्रोर्स तो ये दोनों अलग अलग मापदंड हैं जहाँ तक सहायता की बात है तो ये था ई e और उससे जुड़ा मुद्दा पॉलिटिक्स से जुड़ा एक विषय है करियर आईएस पॉकेट आप देखिएगा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वॉट ठीक है हाँ और प्लस सीलिंग उसकी बहुत कम है तीन कथन मुद्दा पूरे परीक्षा वर्ष में रहा है दल बदल सदस्यता पर गहराते संकट और उससे उपजे विषय इनान अली और अब इनान अली ने ए अमित अमित त्रिपाठी सी वन ओनली टू एंड थ्री ओनली सवाल समझ पाए हैं इन तीन कथनों में से कौन से ऐसे कथन हैं जो किसी सदस्य की निरयोग्यता दसवीं अनुसूची के अनुरूप सुनिश्चित करते हैं सही है अच्छा अगर कोई सदस्य निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल का अगर स्वेच्छा से वॉलंटरी अगर अपनी सदस्यता छोड़ दे उस राजनीतिक दल की तो क्या सदस्यता बचती है दसवीं अनुसूची क्या कहती है नहीं बचती नहीं हिना ना उल्टा कह रहे हैं अर्लियर इट वॉज वन थर्ड इट वॉज चेंज टू टू थर्ड द रिवर्स थिंग एक्चुअली ठीक है मैं समझाता हूँ अभी तो पहला कथन ध्यान दीजिए एक एक कथन को समझिए नहीं बचेगी वॉलंटरी अब यही कर्नाटक से लेकर जितने मसले आए उसमें केंद्रीय शब्द क्या था वॉलंटरली कैसे डिस्क्राइब हो भाई किसी सदस्य ने अगर त्यागपत्र दिया तो क्या उसको माना जाए कि उसने वॉल्टैरली दे दिया अगर मान लीजिए उसकी राजनीतिक दल ऐसी नीतियों पर चल रहा है राजनीतिक दल में ऐसी ओवरऑल स्थिति है कि वो उस राजनीतिक दल से अपनी राजनीतिक विचारों को मिलाकर चल ही नहीं पा रहा तो क्या वो त्यागपत्र उसमें स्वेच्छा का भाव है या उस पार्टी ने उसको मजबूर कर दिया एक तरह से कि भाई आप त्यागपत्र दो ये सब बड़े बारीक लेकिन बड़े महत्वपूर्ण चर्चा बिंदु हैं जिस पर अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन देती है खैर ये बात सही है ठीक है ये चली जाएगी सदस्यता अगर वो ऐसा करता है वॉल्टरली अगर प्रूव हो गया तो गई दूसरी बात अगर कोई निर्वाचित सदस्य अपने दल के विप का अतिक्रमण करके विप समझते हैं ना विप ठीक है तो अगर विप का अतिक्रमण करके उसका उल्लंघन करके अगर मतदान करता है अपनी इच्छा से तो क्या सदस्यता बचेगी क्या सदस्यता बचेगी यहाँ पे भी स्थिति क्लियर है और तीसरी स्थिति है कि अगर उस व्यक्ति ने जो आ, कोई इलेक्टेड मेंबर है वो अपने दल से बाहर आ रहा है लेकिन तब बाहर आ रहा है जब उस दल के एक तिहाई सदस्य किसी और पार्टी के साथ मिल रहे हैं विलय कर रहे हैं तो क्या सदस्यता बचेगी ये पहले था वन थर्ड अब ये हो गया है टू थर्ड अब अगर मान लीजिए नब्बे सदस्य हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में और इकतीस सदस्य अगर अलग होकर चाहें कि किसी पार्टी के साथ विलय करके अपनी सदस्यता बचा लें तो संभव नहीं है क्योंकि अब ये दो तिहाई चाहिए अब साठ से अधिक सदस्य हो तभी यह हो पाएगा तो इस तरह अब चीजें बदल चुकी हैं तो आपने देखा कि ये तीनों कथन जो हैं वो एक तरह से सदस्यता को कहीं ना कहीं समाप्त कर देंगे ये बात हमको पता होनी चाहिए, चाहिए। अगला विषय करिए अगला पंचायत एंटरप्राइज सूट की संकल्पना क्या है पीई एस e. पंचायत एंटरप्राइज की संकल्पना क्या है इसमें तीन दो कथन है ये एक ऐसा सूट है जिसमें कुछ कोर कॉमन एप्लीकेशन जैसे जिसमें पंचायत का जो सारा काम काज है उन सब को इसमें शामिल ऑलमोस्ट किया गया है ऑडिट ऑनलाइन ये एक एप्लीकेशन है जिसको पीईएस के अंतर्गत डेवलप किया गया काफी न्यूज में रहता है ऑडिट ऑनलाइन पंचायत एंटरप्राइज सूट कौन से कथन इसमें सही है इन दो में से कौन से कथन सही है थोड़ा सा मुझे लगता है ट्रिकी था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने ई पंचायत मिशन के अंतर्गत मोड मिशन मोड प्रोजेक्ट में ई e पंचायत का मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसमें बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया और स्ट्रेंदन किया गया ई e गवर्नेंस को पंचायत राज संस्थाओं में देश भर में ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट में पंचायत इंटरप्राइज सूट पी जिसमें 11 कोर कॉमन एप्लीकेशंस हैं उनको डिप्लॉय किया गया और ये 11 अगर मिला लें तो पंचायत राज के पंचायतों के जितने काम हैं जिसमें इंटरनल कोर फंक्शंस आते हैं जैसे प्लानिंग मॉनिटरिंग बजटिंग, अकाउंटिंग सोशल ऑडिट वो सब शामिल है ठीक है और इनको सिटीजन सर्विस डिलीवरी ऑपरेशन जैसे कि सर्टिफिकेट्स इशू करना बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट या लाइसेंसेस वगैरह इशू करना ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है ठीक है तो आपका पहला कथन सही हो गया है ना इट इज सूट विच इंक्लूड्स एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पंचायत फंक्शनिंग सेकेंड आस्पेक्ट ऑडिट ऑनलाइन ये एक एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया गया है इसी पीईएस के अंतर्गत इसी ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट में और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इनिशिएट कर रही है इसमें फाइनेंशियल ऑडिट अकाउंट्स का तीनों स्तरों पर पंचायत राज में जिला ब्लॉक और विलेज स्तर पर और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो ऑडिट ऑनलाइन पंचायतों और शहरी जो निकाय हैं उन ओवरऑल चीज़ों को मिलाकर एक तरह से काम कर रहा है उनके ऑडिट के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए ऑफ कंटेम्प्ट का मसला बहुत चर्चा में रहा है प्रशांत भूषण से लेकर बहुत सारे लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो कथन हैं कौन कौन से सही हैं? भारत में सिविल अवमानना ये एक अपराध नहीं है सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार रखता है ये दो कथन है सही गलत आपको देखना है डी 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 सी दी, 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 दी। दी बहुमत है तो आपने सही पकड़ा है खुशी की बात है ठीक है सही गलत अभी देखते हैं डी में दोनों कथन आप गलत बता रहे हैं ध्यान रखिएगा और सभी लोग इनान कह रहे हैं कि सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों ऑफेंस होते हैं दोनों को मान्यता है यानी ये गलत है और ये सही है देखिए समझिए कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट इकहत्तर ध्यान रखिएगा यहीं से सब चीज़ें हैं और बहुत इस पर लिखा गया प्रशांत भूषण वाले मसले में कि भारत अभी भी ब्रिटेन से कॉपी किया ब्रिटेन में ही कंटेम्प्ट को बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया गया है लेकिन भारत अभी भी उस ब्रिटिश लेगेसी को ढो रहा है और अवमानना के नाम पर न्यायपालिका लोगों को उनकी जो ओवरऑल उनके जो अधिकार हैं उनका कहीं दोहन कर रही है तो ये सारी बातें थी कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट इन उन्नीस मानता है कि कंटेम्प्ट में ओवरऑल आप कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको कहीं उसका इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के कंटेम्प्ट अपराध माने जाते हैं सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है जब आप विलफुली जानबूझकर जब आप डिसोबे करते हो कोर्ट्स के जजमेंट्स को डिक्रीज को डायरेक्शंस को ऑर्डर्स को रिट्स को ठीक है जानबूझकर, willfully विलफुली तो उसको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्ट होता है ऐसा कोई कृत्य ऐसा कोई एक्ट जब आप स्कैंडलाइज करना चाहते हो कोर्ट के फैसलों को उसके ऑब्जर्वेशंस को और इसके थ्रू आप उसकी अथॉरिटी को उसके प्राधिकार को कहीं जनता के बीच ठेस पहुंचाते हैं या न्यायालय की कार्यवाही में किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने का आपका इरादा है आपका कृत्य है इनको क्रिमिनल कंटेंप्ट माना जाता है तो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के कंटेंट्स 91 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि उसके पास क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका है भारत में इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास ये पावर है कि वो कंटेंप्ट के मसले पर हाई कोर्ट से लेकर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स किसी भी स्तर के न्यायिक संरचना के विरुद्ध वो अवमानना खुद उसको सुनकर उस पर दंड दे सकता है ठीक है हाई कोर्ट्स को भी स्पेशल पावर्स हैं कंटेम्प्ट को लेकर पनिश करने की वो भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ये अधिकार रखता है ये सेक्शन दस कंटेम्स ऑफ कोर्ट एक्ट उन्नीस में शामिल है ठीक है तो ये ओवरऑल बात है। अरे मैं इसीलिए मैं गायब ही रहता हूँ यार ठीक है एम सो सॉरी ठीक है बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अब दिखे ना मास्टर तो लड़का सोचता है कि भैया पढ़ा कौन रहा है ऑनलाइन में तो बड़ा सब ये सब चुनौतियाँ हैं ठीक है सो आई एम सो सॉरी आई विल टेक केयर इसीलिए मैं लगातार उसमें ही रहता हूँ चलिए एक और बड़ा पॉलिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसको भी जल्दी से करिए एस एल पी स्पेशल लीव टू पटिशन को लेकर दो कथन है कई फैसले इस परीक्षा वर्ष में एस एल पी के थ्रू आए हैं तो उसको इम्पॉर्टेंट है इसको है ना जस्ट ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एस एल पी हिंदी के दोस्तों के लिए मैं इसका तर्जुमा कर दूं दूसएलपी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त शक्ति है जिसमें किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के विरुद्ध आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है ठीक है इट गिव्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट वो परमिट कर सकता है ठीक है सेकेंड अगर एक बार एस फाइल हो जाए सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ता है उस मा, म, मामले को वंस इट इज फाइल्ड सुप्रीम कोर्ट हैज टू हियर द मैटर नहीं भाई सुनील मैं तो हफ्ते में तीन दिन तो मैं ले ही रहा हूँ आपके साथ आज है क्लास कल होगी परसों होगी कभी कुछ क्योंकि आजकल क्या इंटरव्यू का प्रेशर है और थोड़ा सा उसकी वजह से कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता है बट मैं ओवरऑल जरा दस से ज्यादा ही दिन महीने में आपके साथ काम कर रहा हूं तो ज्यादातर लोग सी अवनीश ए कह रहे हैं चलिए देख लेते हैं इसको तो ये आंसर है SLP is पी power of the Supreme Court of India, granted by Constitution Article 136. 142 याद है हमने किया था और देखिएगा प्रीवियस ईयरस में ये दोनों कितनी बार पूछे गए हैं क्योंकि ये दो बड़ी ताकतें हैं बहुत बड़े अधिकार क्षेत्र हैं तो आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति की बात करता है ये सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति देता है

लेकिन पिटिशन तब अपील बनती है जब कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है आप पिटीशन दे रहे हो आप प्रेयर कर रहे हो कि मेरी बात सुन लीजिए कॉर्पस क्या होगी अपील होगी क्योंकि वो आपका अधिकार है सुनना पड़ेगा कोर्ट ठीक है अब ओवरऑल इस अंतर के बेसिस पर आप दूसरा जो कथन था उसको आप देख सकते हैं और इस पर एक आकलन अपना कर सकते हैं तो एस एल पी बिकम एन अपील ट परमिट सेट उसके बाद आप इसको देखिए चलिए सॉरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रतीक ये क्लास नौ बजे से दस बजे तक होता है पांच सात मिनट दस मिनट ऊपर नीचे ठीक है नौ से दस वैसे समय है संडे मंडे ट्यूजडे थ्री डेज नॉट अ डेली क्लास तो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो यू कैन कम एंड ज्वाइन वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट 15, 16 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चलिए सी अवनीश सी इनान अली सी सी के काफी ऑप्शन आ रहे हैं वन टू ऑब्वियसली बात है इजी क्वेश्चन था और इकोनॉमिक रिकवरी पर फोकस फिलिम्स में आप एक क्वेश्चन सर्टेनली आपको दिख सकता है चाहे वो कर्व्स के ऊपर हो है ना कि वी शेप्ड है कि के शेप्ड है कि यू शेप्ड है है ना इस तरह से कोई क्वेश्चन बन सकता है सेकेंडली कि इकोनॉमिक रिकवरी के जो ट्रेंड्स हैं उसमें कौन सी चीज़ उसको सपोर्ट करती है कौन सी चीज नहीं करती है तो उस, उस बात को ओवरऑल आप देख सकते हैं ये चार कथन थे अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है देश में तो क्या ये रिकवरी को दिखा रहा है ऑब्वियसली दिखा रहा है क्योंकि ये जीएसटी कलेक्शन तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी गुड्स बिकेंगी या सर्विसेज का ट्रेड होगा सेकंड, अगर रेलवे का फ्रेट ट्रैफिक जो माल भाड़ा जो मतलब जो फ्रेट जो कार्गो इधर से उधर जा रहा है अगर वो बढ़ता है ट्रैफिक इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है पेट्रोल का कंजम्पशन अगर डिक्रीज होता है तो ये उल्टा दिखाता है कि इकोनॉमिक आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो स्लो डाउन हो रही हैं। और अगर पावर की डिमांड बढ़ती है तो ये भी सीधे तौर पर आपकी इकोनॉमिक रिकवरी को दिखाता है तो वन टू एंड फोर इट वाज द करेक्ट आंसर चलिए। मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हो उसको कैप्चर करिएगा न्यूट्रिशन रिलेटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली किसकी कमी को किसकी डिफिशियंसी को टारगेट किया जा रहा है प्रोटीन वाइटामिन कैल्शियम फॉस्फोरस

NDDB in collaboration with World Bank and Tata Trust as a pilot project on 5th September 2017 it has seen significant progress in the past 2 years the project aims to process about 2 million tons of fortified milk reaching to 30 million consumers it is financed by South Asia Food and Nutrition Security Initiative SAFANSI which is administered by World Bank तो इसमें वाइटमिन डिफिशियंसी को टारगेट किया जा रहा है अच्छा हाँ। आपने ये बोला था बाद में हाँ ठीक है तो गलत था ना प्रोटीन नहीं है वाइटमिन चलिए डब्ल्यू टी ओ अग्रीमेंट्स में इनमें से क्या क्या शामिल है ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट ट्रिप्स अग्रीमेंट इजी क्वेश्चन है कोशिश करिए सब लोग सही करें प्रतीक सिंह बी अवनीश डी अमित सी बी डी सी ए अंकित ए हिनान सी चलिए सेकंड पे कई लोगों को भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ है आंसर इज डी वन टू एंड थ्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट भी डब्ल्यू का एक अग्रीमेंट है उतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है इसलिए शायद आपने कैप्चर नहीं किया बट डब्ल्यू के जो उसके अंतर्गत जितने भी अग्रीमेंट्स हैं सारा कुछ पता होना चाहिए ठीक है ए ओ ए तो बहुत ही सबसे ज़्यादा विवादित है बिकॉज एग्रीकल्चर में सब्सिडीज और बाकी इश्यूज पर बड़ी घमासान रहती है डेवलप्ड डेवलपिंग वर्ल्ड में ये गैट के समय से इसको करा जा रहा है है, तो ये सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट इट इज एनफोर्स बाईटीओ कंक्लूडेड बाई ट्वेंटी नाइन पार्टिसिपेंट्स इन द मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और ये सिंगापुर की जो डब्ल्यूटीओ समिट थी 96 सिक्स में उसमें हुआ था इसका उद्देश्य है टू accelerate एंड deepen द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स फॉर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट information एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ट्रिप्स आपको पता ही है ये बौद्धिक संपदा विषय अधिकारों की बात करता है चलिए आज इतने मुद्दे थे ठीक है कल हम और विषयों को आगे बढ़ाते हैं जो जो मुद्दे हैं जुड़ने के लिए शुक्रिया कल भी 9 बजे आप लोग जुड़ना चाहें तो स्वागत है चलिए मिलते हैं कल 9 बजे गुड नाइट Thanks for joining. Bye.